4 बजे निकलेंगे मरीना बीच, तो मैं मिलता हूँ आपसे मरीना बीच में। मैं हूँ अपने ही होटल के रेस्टोरेंट में और लंच है पराठे राइस आलू की सब्जी गुलाब जामुन और पकोड़े दाल और पापड़ और साथ में दही, तो मैं करना लंच एंजॉय। अभी मैं आया हूँ मरीना बीच और आज वैलेंटाइंस डे का दिन है और तुम्हारा भाई अकेले घूम रहा है बीच में। काफ़ी क्राउडेड प्लेस है और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। अभी जाके देखते हैं कि पानी कैसा है यहाँ पर। काफ़ी बड़ा बीच है और बहुत ज़्यादा क्राउड है आज क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। काफ़ी अच्छी हवा और हम दोनों जा रहे हैं अभी बीच के किनारे में। कैसा लग रहा है मामा? मेरे मामा को ये प्लेस पसंद नहीं है क्योंकि पानी यहाँ का बहुत गंदा है, तो वो मुझे मना कर रहे थे यहाँ से। प्यारा समुंदर और काफी मजा आ रही है, बहुत ज्यादा क्राउड है। तो मैंने लिया अभी खाने के लिए मैंगोस एंड कॉर्न। यहाँ पे अगर कुछ खाना है आप लोगों को तो सजेस्ट करूंगा मैं कि आप कॉर्न खाएं, बेस्ट स्पॉट। तो पानी ठीक ठाक है, ना ज़्यादा गंदा और ना ज़्यादा साफ। तो पीछे देखे पानी एक्चुअली में ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन फिर भी पानी में तो मज़ा आती है और मरीना बीच घूमने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रही है हम दोनों को। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे एंजॉय और ले रहे हैं इवनिंग वॉक और ले रहे हैं इवनिंग वॉक। उसके बाद मेरे को नारियल पानी पीना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक मुझे बीच है और ये ओशन, तो मैं क्या ही बोलूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है, दोनों साइड बहुत दूर दूर तक है, बहुत ज्यादा बड़ा बीच है। आईफेल टावर और ये ताजमहल। बहुत अच्छी हवाएं चलते रहती है, बहुत अच्छा बीच है, बस थोड़ा सा क्लीन नहीं है और बाकी सब ठीक है। यहाँ का डस्टबिन नहीं है, यहाँ पे लोग कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं। बहुत मज़ा है, आज का दिन काफ़ी अच्छा गया मेरा। और यहाँ निकले हैं चंदा मामा, चंदा मामा भी हमें ब्लेस करते हुए। मरीना बीच से मैं जा रहा हूँ अपने होटल और उसके बाद जाएंगे हम लोग डिनर के लिए। रात में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है बीच। रोड के साइड में बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं खाने के और मुझे लगता है ये इंडिया का सबसे बड़ा बीच है, कुछ ज़्यादा ही साइज बड़ा है इसका। मैं तो पूरा घूमा भी नहीं।